अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11, सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखेंगे, लेकिन प्रोपोर्शंस के लिए। लाइक हमने पिछले लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, सैम्पल साइज़ 2 के साथ, सैम्पल साइज़ 3 के साथ, सिमिलरली हम सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम मेथडोलॉजी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक मीन की बजाय प्रोपोर्शंस के लिए वो सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। एग्जांपल है 11.11, पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स को जस्ट 1, 2, 3, 4, 5 से डिस्क्राइब किया गया है। देन उनके मैरिटल स्टेटस को डिस्क्राइब किया गया है, एम फॉर मैरिड, एस फॉर सिंगल। मेंबर 1 से लेकर 5 तक की किसी की आइडेंटिटी डिस्क्राइब नहीं की गई, सो वी डिनोट द मेंबर्स विद नंबर्स। 5 मेंबर्स हैं और उनके मैरिटल स्टेटस को डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट मेंबर इज़ मैरिड, सेकंड मेंबर इज़ सिंगल, थर्ड मेंबर इज़ आल्सो मैरिड, फोर एंड फिफ्थ आर सिंगल। उसके बाद डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, सेलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल सैंपल ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। सैंपल साइज 2 गिवन है, हमने ऑल पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट करने हैं विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। सैंपल प्रोपोर्शन हमने कंप्यूट कैलकुलेट करनी है, किसकी, मैरिड पर्संस की। उसके बाद उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, देन हमने उसी तरह से उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन के मीन और वेरिएंस भी फाइंड आउट करने हैं, और उनके बाद लास्ट में हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट को। सो कम टू द सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद रिप्लेसमेंट के साथ, और सबसे पहले और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दीज आर 5 मेंबर्स और टोटल मेंबर यानी टोटल पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन विच इज़ 5। एक्स यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर विच आर मैरिड, क्योंकि हमने प्रोपोर्शंस किसकी फाइंड आउट करनी है, मैरिड पर्सन की। तो एक्स यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे मैरिड, नंबर ऑफ मैरिड पर्सन। तो अगर आप इन 5 मेंबर में से काउंट करो तो कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो मैरिड हैं, वो है 2। सो एक्स डिनोटेड बाय 2, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसका फार्मूला है एक्स बाय कैपिटल एन। एक्स मींस नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, वो 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 5, और आफ्टर डिवीजन योर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 0.4। उसके बाद पॉपुलेशन साइज इज़ 5, सैम्पल साइज इज़ 2 विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। अगर 3 गिवन होगा तो हम 3 यूज़ करेंगे, और अगर 2 गिवन, इस क्वेश्चन में 2 गिवन है तो हम लोग 2 यूज़ करेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग विद रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं, तो टोटल सैम्पल ड्राइव करने का फार्मूला वही हम लोग यूज़ करेंगे जो विद रिप्लेसमेंट में करते हैं। सो टोटल सैम्पल, पॉसिबल सैम्पल आपके कितने आएंगे, 25। 25 सैम्पल को ड्रॉ करने का तरीका वही है, क्योंकि आप लोगों की पॉपुलेशन बेस करती है, हम लोग स्टेटस को इग्नोर करते हुए हम लोग उसके जस्ट नंबरिंग को लेके उसकी ऑल पॉसिबल सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि 5 मेंबर्स को हमने 5 नंबर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और उनमें से आपको ये आइडिया है कि 1, 1 से आपको आइडिया है कि कौन सा मेंबर जो है आपका मैरिड है और कौन सा मेंबर जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, इनमें से जो मैरिड हैं वो 1 और 3 हैं। ठीक है, ये 2 मेंबर्स हैं जो मैरिड हैं, बाकी जो सारे रिमेनिंग जो हैं वो सिंगल हैं। तो पहले, सबसे पहले हम लोग सैंपल ड्रॉ करेंगे, ऑल पॉसिबल सैंपल 25 सैंपल हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसी तरह से विद रिप्लेसमेंट में हम लोग 1 को रिपीट करेंगे और 1 के साथ सारे मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 को रिपीट करेंगे और 2 के साथ सारे मेंबर्स आ जाएंगे। 3 को रिपीट करेंगे, 3 के साथ सारे मेंबर्स आ जाएंगे। 4 को रिपीट करेंगे, 4 के साथ सारे मेंबर्स आ जाएंगे।
सिमिलरली 5 को रिपीट करेंगे और 5 के साथ सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें से प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। सैम्पल प्रोपोर्शन इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल पी और कैप, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते थे तो वो एक्स बार से हम लोग डिनोट करते थे। यहाँ पे हम लोग पी कैप से, स्मॉल पी कैप से शो करेंगे सैम्पल प्रोपोर्शन को, क्योंकि ये एक सैम्पल में से हम लोग रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सैम्पल में अगर आप लोग नोट करें तो आपके जो मेंबर हैं वो दोनों 1-1 है। ठीक है, दोनों 1-1 का मतलब ये कि फर्स्ट दोनों मेंबर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, दोनों टाइम तो फर्स्ट दोनों मेंबर जो हैं, 1-1 इज़ फॉर मेरिट, तो आपका टोटल सैम्पल जो है डिवीजन में आएगा टोटल सैम्पल साइज यानी 2, और दोनों में से कि दोनों मेरिट हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वन में अगर आप लोग देखें कि ये वाला आपका मेंबर मैरिड है और ये वाला अनमैरिड है तो ये क्या आएगा 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट वन में देखें ये दोनों आपके मैरिड मेंबर्स हैं तो 2/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें इसमें से ये वाला आपका मैरिड है तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली इस सैम्पल में अगर देखें तो ये वाला मेंबर मैरिड है यानी 1 डिनोट फॉर मैरिड पर्सन तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1 यहाँ पे है यानी जिस सैम्पल में 1 और 3 आएगा उसको आप मैरिड काउंट करेंगे। अगर 1 किसी में आ रहा है तो उसे एक दफ़ा काउंट करके 1/2 आ जाएगा, अगर 1 और 3 दोनों आ रहे हैं तो 2/2 आ जाएगा। इस तरह से 1/2, अब ये दोनों 2 हैं तो दोनों यानी सेकेंड नंबर सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और सिमिलरली 1/2, 0, 0 और आगे सारे सैम्पल प्रोपोर्शन आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने सैम्पल प्रोपोर्शन में अगर रिपीटेड वैल्यूज़ देखें तो 0 रिपीट हो रहा है, 1/2 रिपीट हो रहा है और 2/2 रिपीट हो रहा है। जब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे किसकी, पी कैप की, और इसका मीन और वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। पी कैप में पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू 0, 1/2 एंड 2/2, फ्रिक्वेंसीज इनकी उसी तरह से काउंट करेंगे। 0 रिपीट हो रहा है 9 टाइम, 1/2 रिपीट हो रहा है 12 टाइम और 2/2 रिपीट हो रहा है 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद P F into P ऑफ पी कैप उसी तरह से 9 हर रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी को उसको टोटल से आप लोग डिवाइड करेंगे। और सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम कैसे आएगा, अगर आप पी कैप को फ्रिक्वेंसी और इंटू पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। यानी जो हम मल्टीप्लिकेशन की मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं वो सेम यहीं पे फॉलो, यहाँ पे भी वही सेम फॉलो करेंगे। अच्छा, इस सैम्पलिंग प्रोपोर्शन के मीन को हम लोग डिनोट करेंगे म्यू पी कैप के साथ। इसका फार्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे, जस्ट सिंबल आपकी चेंज हो जाएगी। कि वो चेंज क्यों होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस क्वेश्चन में आपने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तो यहाँ पर आपका एक्स बार आ रहा था। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20/50, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 इज़ द आंसर। सिमिलरली सिग्मा स्क्वायर पी कैप फाइंड आउट करेंगे, सेम फार्मूला है, जस्ट एक्स बार की जगह पी कैप आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे सारी कैलकुलेशन की, आफ्टर सब्ट्रैक्शन योर आंसर इज 0.12। उसके बाद लास्ट में हम लोग वेरीफिकेशन की तरफ आते हैं, म्यू पी कैप इज इक्वल टू पी कैप, दिस इज़ द फर्स्ट वेरीफिकेशन, और अगर आप रिजल्ट को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, सो फर्स्ट वेरीफिकेशन जो है प्रूव हो गई है। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर पी कैप, यहाँ पे जो आपकी वेरीफिकेशन होगी सेकेंड वेरीफिकेशन वो थोड़ी चेंज होगी, उसका फार्मूला थोड़ा चेंज है यहाँ पे प्रोपोर्शन में। वो क्या फार्मूला है, पी इंटू 1 - P डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। पी आपकी सब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.4 थी, 1 - 0.4 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.12, विच इज़ इक्वल्स टू द वेरियंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। ये आप लोग वेरीफिकेशन याद करेंगे प्रोपोर्शन के लिए, और विद रिप्लेसमेंट में ये प्रोपोर्शन हम लोग फॉलो करते हैं। अब सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। विदाउट रिप्लेसमेंट को में आपको पता है कि सैम्पल ड्रॉ करने का फार्मूला चेंज है, विच इज़ कैपिटल एन सी स्मॉल एन। सो 5C2 इज़ इक्वल टू, ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 5C2, आपका आंसर क्या आ गया है 10। तो आपने 10 सैम्पल ड्रॉ करने हैं 2 के साथ, इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, आपका पॉपुलेशन जो है 1, 2, 3 और देन 4 और 5, ये आपके पॉपुलेशन मेंबर्स थे जिसे हमने 1 से लेकर 5 तक डिनोट किया था।
अब विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, वन को टू के साथ, वन को थ्री के साथ, वन को फोर के साथ, वन को फाइव के साथ, ठीक है। यानी वन के, वन को आपने सारे के सारे टू के साथ भी, फिर थ्री के साथ, और फिर फोर के साथ, और फिर फाइव के साथ, इन सब के साथ आपने वन को पेयर करना है। उसके बाद वन को क्रॉस कर देना है, क्रॉस करने के बाद उसके बाद देन टू के साथ, टू के साथ क्या आएगा थ्री, देन फोर, और देन फाइव, ठीक है, इन सब के साथ आएगा। उसके बाद आपने टू को भी क्रॉस कर देना है, उसके बाद देन आपका आएगा थ्री के साथ क्या आएगा फोर, और देन थ्री के साथ क्या आएगा फाइव, ठीक है। उसके बाद आप थ्री को भी क्रॉस कर देंगे देन, और लास्ट में फोर और फाइव ही बचे हैं, ठीक है। ये सारी आपने सैंपल यहाँ पे प्लेस करने हैं, सैंपल प्लेस करने के बाद आपने उसी तरह से पी कैप फाइंड आउट करनी है। सैंपल प्रोपोर्शन फॉर मैरिड पर्सन, इन दिस सैंपल देर इज़ ओनली वन मैरिड पर्सन, सो द सैंपल इज़ वन बाई, सैंपल प्रोपोर्शन इज़ वन बाई टू। सिमिलरली टू बाई टू, क्योंकि दोनों के दोनों जो सैंपल में मेम्बर्स इंक्लूड हैं वो दोनों मैरिड हैं। सिमिलरली आप वन बाई टू फॉर वन मेम्बर, और टू बाई टू इज़ फॉर टू मैरिड पर्सन, एंड अगर आपका सैंपल में कोई भी मैरिड पर्सन नहीं है तो आप ज़ीरो लगाएंगे उसकी जगह। उसके बाद आप इसी तरह सेम वे में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे पी कैप की, और उसका मीन और वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। हेयर पी कैप पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू जीरो, वन बाई टू एंड टू बाई टू, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी आपकी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल सैंपल आपके, आपने कितने ड्रॉ किए हैं टेन, सो जीरो रिपीटेड थ्री टाइम, वन बाई टू रिपीटेड सिक्स टाइम, टू बाई टू रिपीटेड वन टाइम। उसके बाद सिमिलरली एफ इन टू पी कैप फाइंड आउट करेंगे, हर रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी को उसको टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड कर देंगे तो आपका ये कॉलम आ जाएगा। और इन द सेम वे आप इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फोर्थ नंबर का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आपने स्क्वेयर वाला कॉलम फाइंड आउट करना है, उसके बाद टोटल कर लेना है इनको। टोटल इज़ वेरी सिंपल, सिंपल इस तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद म्यू पी कैप का सेम फार्मूला है, 8/20 इज़ द टोटल ऑफ दिस कॉलम, सो द आफ्टर डिवीजन योर आंसर इज़ 0.4। सिग्मा स्क्वायर पी कैप का फार्मूला सेम एज वी डिस्कस्ड इन विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे जस्ट कैलकुलेटेड आंसर डिफर करेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 0.09, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका वेरीफिकेशन का, आप रिजल्ट्स को वेरीफाई करोगे। फर्स्ट वेरीफिकेशन इज़ सेम एज इन विद रिप्लेसमेंट केस, विद और विदाउट में फर्स्ट वेरीफिकेशन सेम है, और आंसर भी अगर आप लोग देखें तो आंसर भी दोनों सेम आ रहे हैं, सो द फर्स्ट वेरीफिकेशन इज़ वेरीफाइड। सेकंड जो वेरीफिकेशन है वेरियंस के बारे में, वो विद और विदाउट दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिग्मा स्क्वायर पी कैप is equals to p into 1 minus p divided by n, यहाँ तक जो वेरीफिकेशन है ये विद रिप्लेसमेंट में भी सेम है, विदाउट रिप्लेसमेंट में ये एक्स्ट्रा फैक्टर साथ में आता है आपके n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल n माइनस 1। इसको फाइनाइट कुरेक्शन फैक्टर भी कहते हैं इस फैक्टर को, ये विद विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आता है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ और आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 0.09 विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखें तो वेरियंस की दोनों का कैलकुलेटेड आंसर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ा डिफर करता है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज करके इसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद होमवर्क की तरफ आते हैं, क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एज ए एक्सरसाइज आप लोगों को मेंशन किए हैं, ये सेम इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं सैंपल प्रोपोर्शन से, आप इनको ट्राई कीजिएगा। इसमें हर क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोपोर्शंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कही होंगी, समटाइम वो आपको पॉपुलेशन मेंशन कर देते हैं और समटाइम वो आपको कहते हैं कि आप इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, तो आपने अपने आपने अपनी पॉपुलेशन में से जो इवन नंबर्स होंगे उनकी प्रोपोर्शन इसी तरह से लेके आप लोग कैलकुलेट करोगे। समटाइम वो आपको क्वेश्चन में कह देते हैं फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स, तो आप लोग ऑड नंबर्स को लेके सारी कैलकुलेशन सेम तरीके से ऐसे ही फॉलो करते हो, ठीक है। एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसी से रेलिवेंट है, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है।